के न्यूज खबरों की नई पहचान। प्रखंड क्षेत्र कर्मा एसबीआई ब्रांच का विवादों से चोली दामन का रिश्ता शुरू से ही रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को कर्मा चौक निवासी सब बर्तन व्यापारियों संतोष केसरी 20,000 रुपए निकालने बैंक गया। यहां बैंकों को रोकड़पाल को 20,000 रुपए निकालने की पर्ची दी। रोकड़पाल ने 10,000 पर्ची से व 10,000 एटीएम से निकालने की बात कही, जिस पर ग्राहक संतोष केसरी ने एटीएम से पैसा नहीं निकालने के साथ बैंक से ही कैश लेने की बात कही। धीरे धीरे मामला विवादों में बदल गया। शाखा प्रबंधक अंजन कुमार सिंह के समक्ष मामला आने पर ग्राहक को समझा बुझाकर मामला शांत किया गया। वहीं श्री केसरी ने अपनी गलती के लिए शाखा प्रबंधक से माफी भी मांगा। तभी वहां उपस्थित कर्मा चौक निवासी राम अवतार यादव ने भीड़ को उकसाने के साथ ऐसे शाखा प्रबंधक को ही पिटाई करने की बात कह डाला। इसके बाद शाखा प्रबंधक ने घटना की सूचना क्षेत्रीय प्रबंधक व थाना को दिया। घटना की सूचना पाते ही थाना से एसआई मुन्ना प्रसाद पुलिस बल के साथ घटना स्थल पहुंच जायजा लिया। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ वह हम बैंक से पैसा निकालने के लिए गए। हम वहाँ गए तो हमको बोला कि आपको 10,000 रुपये देंगे। हम बोले 10,000 नहीं, हमको 20,000 का ज़रूरत है। बोला आपके पास एटीएम है ऑलरेडी, आप एटीएम लेकर के आइए, और एटीएम अगर नहीं लेकर आइएगा तो पैसा 20,000 नहीं देंगे, 10,000 ही देंगे, और एटीएम से लाइएगा तो 20,000 देंगे। इतने ही में हम बोले कि ऐसा क्या नियम है, ऐसा क्या कानून है, आप हमको बताइए, आप हमको लिख करके दीजिए कि आप हमको अगर एटीएम से दीजिएगा तो 20,000 देंगे, और नॉन एटीएम खाता से पासबुक से दीजिएगा तो 10,000 ही देंगे। बस इतना ही मैटर है। इतना ही में मैनेजर साहब हमरे से भगजा कर लिए, उसके बाद में थाना फ़ोन लगाने लगे। तो हम गलती और माफ़ी भी मांगे कि चलिए हमसे गलती हो गई, हम आपसे पूछ दिए।